सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, पिक्चर भेजता है या वीडियो सेंड करता है और आपने वो मैसेज जो है रीड भी नहीं करा होता, पिक्चर आपने देखी भी नहीं होती और आपको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ और आप देखना चाहते हैं कि उसने मुझे क्या मुझे सेंड करा था, तो आप जो है डिलीट करने के बाद भी जो है किस तरह से वो मैसेज जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल टैग जी सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर सर्च करना है वर्ड्स डिलीट। यहाँ पर मेरे पास लिखा आ चुका है वर्ड्स डिलीट, इस तरह से जो आप सर्च करना है। और यहाँ पर जो है कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों के पास ओपन होंगी, उनमें से आपने जो है नीचे आ जाना है इस तरह से। सबसे पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन आ रही है आप लोग के पास, व्हाट्स डिलीट रिकवर मैसेजेस, द हैक्स कोडर्स की ये एप्लीकेशन है। आप लोगों ने देख लेना अच्छी तरह से, कोई और एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ एप्लीकेशन जो है फेक भी होती हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। तो उसको जो है यहाँ से आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा, फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है मैंने इंस्टॉल कर ली है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और जो है फिर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये कुछ अटेंशन और परमिशन वगैरह मांग रहे हैं, ये आपने पढ़ना चाहे पढ़ लें वरना यहाँ से स्किप कर दें इसको एरो के निशान से। यहाँ से ये कुछ परमिशंस मांग रहा है आप लोगों से, आपने यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर दोबारा से आपने यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करना है और दोबारा परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देना है। उसके बाद जो है तो यहाँ से आप लोगों ने फिर दोबारा से एरो के बटन पे क्लिक कर देना है और दोबारा से एरो के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और मजीद परमिशन मांग रहा है, आपने जो यहाँ पे गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। गो टू सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे ऐप नज़र आ रही वाली वर्ड्स डिलीट की, इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है इसको यहाँ से अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद अलाउ करना है और यहाँ पे जो है तमाम के तमाम जो इसकी परमिशन है वो अलाउ हो चुकी है। बैक करना है, बैक आने के बाद जो है आपके व्हाट्सएप में जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जितने भी मैसेज डिलीट होंगे वो जो है अब इसमें आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप के अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है, कौन कौन सी ऐप्स की जो है मैसेज ये रिकवर करना चाहते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक मैसेंजर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप फेसबुक के भी मैसेज रिकवर करना चाहें तो इसको जो है यहाँ से ऑन कर दें, इंस्टाग्राम के रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर दें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे से अगर मुझे कोई मैसेज मेरे डिलीट करता है, मैसेज मैंने सेंड करके डिलीट करता है, तो वो जो मेरे पास इस ऐप में रिकवर होकर आ जाए। यहाँ पे आपने जो इसको ऑन करने के बाद एरो के बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे और यहाँ से इसको कर देना है क्लोज़। दोबारा ही परमिशन मांग रहा है, आपने यहाँ से इसको जो है अनेबल कर देना। उसके बाद जो है आप लोगों के पास इस तरह से कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है। अब मैं अपने दूसरे नंबर से जो है व्हाट्सएप पर अपने मैसेज करता हूँ और मैसेज करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट अपने उसी दूसरे नंबर से। ठीक है, मैंने ऐसे अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करा और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैसेज जो है मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप में आ चुका है। ये आप लोग मेरे पास देख सकते हैं, ऊपर आप लोगों के पास मैसेज ऊपर जो है मेरे पास मैसेज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने जो है मैसेज करा, अभी मैं ऐसे इस मैसेज को कर देता हूँ डिलीट अपने दूसरे नंबर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज जो है मेरे पास यहाँ से डिलीट हो चुका है, लिखा हुआ आ रहा है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। अब हम चलते हैं अपने वर्ड्स डिलीट में। ठीक है, आपने ये मैसेज अभी देखा भी नहीं और अब आपने जो है ये मैसेज आप रीड करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि उस बंदे ने आपको क्या मैसेज करा, तो आपने जो है वर्ड्स डिलीट एप्लीकेशन में आना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैसेज जो है मैंने अपने दूसरे नंबर से करके डिलीट करा था उसी नंबर से ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेज जो है मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई आपको जो है कोई तस्वीर भेजता है, कोई पिक्चर भेजता है, वो भेजने के बाद डिलीट करे तो यहाँ पे आप लोगों के पास इमेज में शो होगी, या अगर कोई वीडियो आपको सेंड करने के बाद डिलीट कर देते तो ये वीडियो में आप लोगों के पास सेंड होगी। कुछ एड्स वगैरह आते हैं इसमें, उनसे आप लोगों ने घबराना नहीं, उनको यहाँ से कट कर देना है। फिर कोई वॉइस भेजता है आपको, वो डिलीट कर देता है तो वो भी यहाँ पे शो होगी। ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स या कोई फाइल वगैरह भेजता है तो वो तमाम की तमाम जो इस एप्लीकेशन में रिकवर हो सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, आप लोग भी इसको लाजमी इस्तेमाल करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।